चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। बोरीवली पूर्व में धड़क कामगार यूनियन द्वारा ओला और उबेर कंपनियों के विरोध में धड़क रिक्शा टैक्सी मालक चालक यूनियन का तीव्र निषेध किया गया। निषेध इस बात को लेकर था कि ओला और उबेर और साथ ही साथ जो टूरिस्ट की गाड़ियां है वो स्टेशन से 200 मीटर की दूरी से अपने कस्टमर को पिक करे। इस मामले में धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष अभिजीत राणे ने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और साथ ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इसकी जानकारी दी है। मुंबई में ओला उबेर और प्राइवेट टैक्सियों का भरमार हो रहा है और हमारी पारंपरिक व्यवसाय जो रिक्शा और टैक्सी जो इतने सालों से चल रही है उसके ऊपर सरकार गदा लाने की कोशिश कर रही है और ये रिक्शा टैक्सी चालक मालक जो है उनका जो रोज़गार है वो हाथ पर चलने वाला रोज़गार है। हमारी यूनियन एक आक्रामक यूनियन के नाम पे महाराष्ट्र और मुंबई में देखी जाती है। आज हमने ये प्राइवेट टैक्सी कंपनियों को इशारा दिया है कि आप रेलवे स्टेशन से 200 मीटर लंबा मतलब 200 मीटर दूर आप 12 लेना और छोड़ने का काम कीजिएगा। यहाँ पर स्टेशन पर खड़ा रह के अगर आप स्टेशन से भाड़ा लेंगे तो हम हमारी यूनियन हमारे ये लोग उसका निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, कानूनी तरीके से विरोध करेंगे और ये विरोध पूरे मुंबई में आज से शुरू होगा। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि ओला उबेर कंपनी हमें साथ देगी। वो जैसे धंधा कर रहे हैं वैसे हम भी धंधा कर रहे हैं, हम कंपनी के खिलाफ नहीं है, मगर कंपनी अगर हमारे धंधे के खिलाफ जाएगी तो हम भी उनके खिलाफ जाएंगे और हमारा आंदोलन बहुत आक्रामक होगा। पर हम हमारा प्रस्ताव सरकार को दिया है, हमने लिखित तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दोनों के पास हमने वक्त मांगा हुआ है। आने वाले 2-4 दिन में हमारी उनके साथ में मुलाकात होगी और निश्चित तौर पर अगर हमें सकारात्मक दृष्टिकोणों से कोई भी अगर रिस्पांस नहीं मिला तो मुंबई में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। कार्यकर्ताओं को संदेश मेरी तरफ से यही है कि आप सभी लोग आक्रामक तरीके से ओला उबेर के दड़पशाही का विरोध कीजिएगा। हम किधर भी हमें झुकना नहीं है, हमें उनको ठोकना है।